की है, तो ठाकुर समाज आप लोग के लिए लड़ा है, तो आप लोग ठाकुर समाज का मदद नहीं कीजिएगा? निश्चित है कि आप फिल्म से प्रभावित हो गए, सिनेमा से प्रभावित हो गए। इतिहास पढ़िए, इतिहास में हमारी बहुत ही बलिदान और त्याग है। सभी का अपनापन जरूरी है, हमको अपनों का प्यार जीतना है, और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही ठाकुर सभा मजबूत होगा, उतना ही समाज का विकास होगा। जनगणना हुआ है उसके बारे में भी दो लाइन कहना चाहूँगा। उसमें हमारी संख्या जो है 50 लाख के करीब दिखाई गई है। इसका मतलब कि हम लोग जब जनगणना हुआ तो उसके बाद हम लोग का कोई बाल बच्चा ही नहीं पैदा हुआ। हम लोग पटना ज्ञान भवन में 8 अक्टूबर को क्षत्रिय समाज की, जितने भी बिहार के क्षत्रिय समाज हैं, हम लोगों ने फैसला किया आपस में मिलकर कि सभी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज भी वहाँ इकट्ठा होंगे हम लोग। और कुछ सरकार से हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर जाएंगे, और सारण से उम्मीद है कि सारे क्षत्रिय हम लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। और सारण से बहुत सारे नौजवान साथी हैं, जो आप लोग के जरिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको अगर सूचना नहीं मिली, हो सके कि मैं सबको सूचना नहीं दे सकता हूँ, तो आप सुधीर सिंह कोई पद के लिए नहीं जा रहे हैं, सुधीर सिंह आपके लिए जा रहे हैं कि आप लोगों से निहोरा है। जितनी सी जनता संख्या में सरकार के कलम से अगर हम लोग 3.545 हैं, इसकी मतलब कि हम लोग 50 लाख हैं, इसका मतलब कि हम लोग 50 लाख हैं। अगर 50 लाख की संख्या अगर पटना में हम लोग जुटते हैं, तो निश्चित है कि सरकार को नजर जाएगी कि 50 लाख ये समाज का लोग है। तो निश्चित है कि जो हमारे नेता आ रहे हैं, महिपाल सिंह मकराना जी आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के बिहार से, अमित कुंवर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अमित कुंवर सिंह जी हैं, विशाल है, रोहित कुंवर हैं, बहुत सारे ऐसे मुखियागण हैं जो प्रतिनिधि हैं। अब गोपालगंज जिला में 70 मुखियागण हैं जो क्षत्रिय समाज से हैं, सिवान में भी ऐसी संख्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हो सके कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को सुधीर सिंह पसंद नहीं, तो मेरे पसंद की चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पसंद नहीं हूँ, तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए जाइए। आपको लगता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ बलिदान और त्याग और समर्पण उनका था, तो आज उनकी बात हम करते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए क्या करेंगे, आज सोचने का समय है। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही बलिदानी और त्यागी है और त्याग रहा है। मैंने एक बात कहा था, मैं एक चीज़ आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा, निश्चित है कि मैं इसको पढ़ के आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं ठाकुर का क्या क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, और लेकिन ठाकुर के लोग सिर्फ अवगुण क्यों गाते हैं? कुछ चंद लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को एकत्रित नहीं रहना देना चाहते हैं, वही ये बात को कहते हैं, जो अप्रस्थल कहते हैं। और अप्रस्थल कहने के चक्कर में नौजवान भटक जाते हैं, वो आपस में सोशल मीडिया पे लड़ने लगते हैं कि मैं ये तो, मैं फलाना तो, मैं ढिमका तो, मैं ढिमका। अरे भाई, समय आ चुका है कि आप बातों को समझो। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपके लिए कौन लड़ रहा है, उसके लिए आप लोग लड़ो। आपको आगे बढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? जब आप दुखित होते हो तो आपको पूछने कौन आ रहा है, आपके दुख में खड़ा होने कौन आ रहा है, ये चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मनोज झा जी, आनंद मोहन जी को कोई कमी है? वो दोनों आदमी चाहें तो सोना का मुकुट खरीद सकते हैं। तो मैंने तो देखा है, हम उस परिवार से आते हैं कि मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का त्याग और समर्पण आज भी सारण में है, आज भी उन्हीं की देन है कि मेरे साथ। तो मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूँ, लेकिन जितने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मेरे बड़े पिताजी ने त्याग और समर्पण किया है। अगर 1% के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्षत्रिय समाज को अगर अपना अधिकार देते हैं, तो पहले तो घर मजबूत करना चाहिए। घर के बाद बाहर निकला जाता है, बाहर के बाद पटीदार देखा जाता है, और पटीदार के बाद समाज देखा जाता है। तो हम लोग पूरे समाज को देखने की बात कर रहे हैं, और पूरे समाज को ईमानदारी से देखने की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े हैं। आज भी आप क्षत्रियों के जितने भी जमीन जायदाद देखिए, आज भी सभी उन्हीं लोग के पास है, गरीबों के पास है। तो हम तो जिंदगी भर गरीब को लेकर चले हैं, हम गरीब को छोड़ने कहाँ जा रहे हैं? हमारे हितैषी वो हैं, उनके हितैषी हम हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कुछ चंद लोग, मैंने कहा कि जो अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं बस उन बड़े नेताओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया आप समाज को ना बांटें,
और मैं नौजवानों से बस हाथ जोड़ के निहोरा करूंगा कि उनके चक्कर में ना पड़े। आने वाला समय यह 2023 है, यहाँ सभी की समानता जरूरी है, सभी की भागीदारी जरूरी है, सभी का अपनापन जरूरी है। हमको अपनों का प्यार जीतना है और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही ठाकुर सभा मजबूत होगा, उतना ही समाज का विकास होगा।